श्रद्धा कपूर की लास्ट रिलीज फिल्म थी बागी 3, जो कि एक्शन और थ्रिल से भरपूर थी। उस फिल्म के सक्सेस के बाद लॉकडाउन के बाद श्रद्धा कपूर ने एक जबरदस्त फिल्म की अनाउंसमेंट की थी, वो थी नागिन। जी हाँ दोस्तों, नागिन फिल्म के अंदर श्रद्धा कपूर अपने करियर में पहली बार नागिन का रोल करती नजर आएगी। और दोस्तों ये रोल उनके ड्रीम रोल में से एक है, उनको ये रोल पहले से करना था। लेकिन दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2018 में आई फिल्म स्त्री, इस फिल्म का पार्ट 2 बनने जा रहा है। तो क्या स्टारकास्ट रहेगी, कौन से डायरेक्टर इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं और कौन से जॉनर की फिल्म रहने वाली है, ये सभी जानकारी दोस्तों मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो दोस्तों आप भी अगर स्त्री 2 फिल्म का इंतजार कर रहे हैं तो दोस्तों इस वीडियो को जरा भी स्किप मत करना, और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए दोस्तों बिना देर करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों 2018 में आई थी स्त्री फिल्म, और इस फिल्म के अंदर हमें कॉमेडी देखने को मिला था, वही दोस्तों हॉरर भी देखने को मिला था। डायरेक्शन की बात करें तो इस फिल्म को डायरेक्शन दिया था अमर कौशिक ने, और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था दिनेश विजन ने। अगर दोस्तों स्टार कास्ट की बात करें तो इस फिल्म के अंदर हमें राजकुमार राव, विक्की, लेडी टेलर का रोल करते नजर आए थे। वही दोस्तों श्रद्धा कपूर ने इस फिल्म के अंदर गायत्री का रोल किया था। इस फिल्म के अंदर पंकज त्रिपाठी भी अहम रोल करते नजर आए थे। वही दोस्तों अभिषेक बनजारिया भी इस फिल्म के अंदर विक्की यानी कि बिट्टू का रोल करते नजर आए थे। वही दोस्तों इस फिल्म के अंदर दो आइटम सॉन्ग थे, एक कमरिया जो कि नौरा फतेही करती नजर आई थी। वही दोस्तों आओ कभी हवेली पर जो सॉन्ग था उस फिल्म के अंदर हमें कृति सनन देखने को मिली थी। दोनों के दोनों सॉन्ग बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट हुए थे। दोस्तों 20 करोड़ के बजट में बनाया था इस फिल्म ने, अपने लाइफ टाइम में 100 करोड़ का जबरदस्त बिजनेस किया था। और दोस्तों फिल्म का कंटेंट यूनिक होने की वजह से दर्शकों को ये फिल्म की स्टोरी भी पसंद आई थी। अब मेकर्स इस फिल्म का पार्ट 2 बना जा रहा है यानी कि स्त्री 2। और दोस्तों डायरेक्शन की बात करें तो इस फिल्म के अंदर भी डायरेक्शन देने वाले हैं अमर कौशिक। और स्टारकास्ट की बात करें तो श्रद्धा कपूर और दोस्तों पंकज त्रिपाठी और राजकुमार राव फिर से देखने को मिलेंगे। दोस्तों बजट की बात करें तो लगभग इस फिल्म को 25 से 30 करोड़ के बजट में बनाया जाएगा। और दोस्तों मेकर्स ने इस फिल्म की स्टोरी पर काम चालू कर दिया है, यानी कि स्त्री 2 फिल्म की जल्द से जल्द अनाउंसमेंट देखने को मिलेगी। और दोस्तों रिपोर्ट के अनुसार ये फिल्म अगले साल रिलीज होगी। और दोस्तों बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन की बात करें तो ये फिल्म आराम से 150 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस करेगी। तो दोस्तों आप तो कितने एक्साइटेड हैं स्त्री 2 फिल्म के लिए, कमेंट बॉक्स पर लिख के जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें।